हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे आसाम कॉमन एग्जाम्स जो अभी होने वाला है उसके मैथ्स के सिंप्लीफिकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखोगे, पहला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ 0.96 होल क्यूब माइनस 0.1 का होल क्यूब डिवाइड बाई 0.96 होल स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.01 इज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्या आप क्यूब करके अगेन माइनस करोगे, इसका क्यूब करके फिर इस इधर सिंप्लीफाई करोगे, तो बहुत टाइम लगेगा। देखोगे अब इस क्वेश्चन को हम लोग विद इन सेकेंड कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखोगे कि ए क्यूब और माइनस बी क्यूब, अगर इसको हम लोग ए ले इसको बी ले, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ए माइनस बी एंड देन विद इन ब्रेकेट ये होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और ये होगा प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आप नीचे देखोगे गिवन होगा, ध्यान से देखोगे तो ये स्क्वायर है ना, और ये भी देखोगे इसका स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर करें तो ये क्या होगा वन, जैसे यहाँ पे अब ये 0.1 का अगर हम स्क्वायर करें दैट मीन्स टू टाइम्स इंटू करेंगे तो वन का स्क्वायर वन होगा, और पॉइंट का स्क्वायर क्या होता है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो अब स्क्वायर करने के बाद पॉइंट के बाद दो डिजिट होता है, तो एक तो वन है और एक जीरो लगाओ और एक यहाँ लगाओ पॉइंट, ठीक है। तो देखो है ना, यहाँ पे ये है, ठीक है। तो अब उसी तरह से अब इस दोनों को इंटू करोगे तो 96 को 1 से इंटू करोगे तो 96 होगा, बट अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद होगा, यहाँ पे दो डिजिट है यहाँ पे एक डिजिट, यानी टोटल कितना होगा 3 डिजिट, 1 2 एक जीरो लगा दिए 3, क्लियर हो गया। यानी ये पूरा पार्ट आपका गिवन है, तो ये क्या होंगे ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या ए माइनस बी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 0.96 से 0.1 माइनस कर देंगे, 0.1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ कुछ नहीं है, जीरो लगा लेते हैं, ये हो गया 6, 9 से 1 गया यानी 8, और ये हो गया पॉइंट और ये हो गया जीरो, यानी आंसर हो गया 0.86। अब देखो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 5/8 इंटू 2 3/5 एंड देन डिवाइड 4/9। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करोगे कि ये 5/8 है एज इट इज़ रखते हैं एंड देन इंटू ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, 5 को 2 से इंटू करके 3 को ऐड करेंगे, 5 2 10 प्लस 3 यानी 13/5 यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद अब ये डिवाइड है ना, इसको इंटू बनाते हैं, तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा ना, ये चेंज हो जाएगा, ये 9 ऊपर जाएगा और ये 4 हो जाएगा आपका नीचे। अब देखोगे जितना छोटा हो जाए छोटा कर लेंगे, नहीं होगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ये 5 से 5 आपको दिख रहा है कैंसिल होगा, और कुछ कैंसिल होने वाला है, 4 से ऊपर जाने वाला नहीं है, 8 से यानी जाने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे हम, अब ये कैंसिल नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 8 4 कितना हो गया 32 और ये 13 को 9 से इंटू कर देते हैं, तो 13 9 जा हो गया 117। अच्छा अब आपके पास में बचा क्या, अब ऑप्शंस में देखोगे कि 32 इस तरह के फॉर्मेट में कहाँ है, तो नीचे 32 कहाँ है पहले चेक करोगे, ये नहीं होगा आंसर, ये नहीं होगा क्योंकि 27 है 27, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो कौन सा होगा भाई, तो 32 को अगर 2 से इंटू करेंगे तो ये कितना होगा, 32 जा हो गया आपका 64, है ना। अगर 3 से इंटू करेंगे तब ये हो जाएगा आपका 90 समथिंग होगा, है ना, 96 होगा, ठीक है। तो ये वाला आंसर करेक्ट हो रहा है ना, अगर आप डिवाइड भी करोगे तो डिवाइड भी करके आप चेक कर सकते हो इस तरह से, आप 3 टाइम्स अगर डिवाइड करोगे तो ये हो गया 6 और ये हो गया 9, अब माइनस कर दो 1 हो गया और ये हो गया 2, यानी अब देखोगे इसको लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, 3 21 ऊपर और नीचे हो गया 32। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ 3 21/32, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, अब ये दिया हुआ है इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान दोगे यहाँ पे ये सेम नंबर आपको दिख रहा है 3 टाइम्स यानी क्यूब हो रहा है, तो अगर हम इस सेम नंबर को ए ले लें तो ए क्यूब प्लस है और यहाँ भी सेम नंबर 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है, अगर बी ले लें तो ये बी क्यूब हो गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है दोस्तों, ए प्लस बी एंड विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड देन प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो देखोगे ध्यान दोगे जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मैंने क्या बताया कि ये वाला पार्ट देखोगे नीचे होगा, अब चेक करो देखोगे स्क्वायर है ए स्क्वायर है ना, एंड देन माइनस ए और बी है, देखो माइनस ए बी है एंड देन प्लस बी इंटू बी यानी बी स्क्वायर है, ठीक है।
तो ये पार्ट ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए, बचेगा कौन, ए प्लस बी, यही बचेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए प्लस बी, दैट मीन्स 725 एंड देन 371 को प्लस कर दो, आंसर आ गया। तो 516, 729 और 73 हो गया 10, यानी 1096 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चेक करोगे क्या है, तो चेक करोगे तो आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ इस क्वेश्चंस को देखोगे 8.73 × 8.73 × 8.73 इस तरह से देखोगे तो ये भी आपको एक दिख रहा है क्या, क्यूब ही दिख रहा है ना। अगर ये क्यूब है और ये प्लस है और ये सेम देखोगे यहाँ पे 3 टाइम्स है, यानी बी क्यूब हो रहा है। तो मैंने क्या बताया, ये नीचे होगा ही ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखोगे ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड देन बी स्क्वायर, तो ये बचेगा क्या, फाइनली ये आंसर होगा ए प्लस बी, क्योंकि प्लस में है ना, क्योंकि ऊपर नीचे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो अब ये बचेगा क्या, ए प्लस बी, दैट मीन्स हो गया 8.73 और इधर हो गया 4.27 को प्लस कर दो और आंसर आ जाएगा 7 × 3 = 10 = 1 × 7 = 9 और इधर का 1 हो गया आपका 10, अब फिर अगेन 1 हुआ तो 8 और 4 = 12 और उधर का 1 = 13। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ओनली 13, ठीक है ना। तो 13 हो जाएगा आंसर। तब देखोगे आंसर में कहाँ है, तो आंसर नंबर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान दोगे। तो ये 1/1 × 4 है, 1/4 × 7 इस तरह से देखोगे कंटिन्यू है। तो एक बार ध्यान दोगे क्वेश्चंस को, ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाए मल्टीप्लाई हो तो यहाँ आप चेक करोगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, यहाँ भी 3 आपको दिख रहा है, यहाँ भी 3 आपको दिख रहा है, यहाँ भी आपको 3 ही दिख रहा है। जब भी डिफरेंस 3 हो जाए ना, तो आपको करना क्या है कि ये तो 3 आपका क्या होगा, ये तो 3 कॉमन होगा, है ना। तो देखोगे किस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले मैं एक टर्म को दिखा रहा हूँ आपको, 1/1 × 4, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 1/1 एंड देन -1/4, तो लिख सकते हो। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये 4 यहाँ आएगा, ये 1 यहाँ आएगा, यानी 4 − 1 करोगे तो ऊपर आ जाएगा 3/, नीचे 1 × 4 ही होगा। तो ये 3 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो यहाँ भी एक्स्ट्रा यही 3 आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। तो इस 3 को अगर हम कॉमन ले लें तो ऊपर तो 3 आएगा, तो कैंसिल करने के लिए नीचे क्या लेना होगा, 1/3। तब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्या, देखोगे ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये 1/4, यहाँ भी 4, देखोगे ये माइनस में आया ना, ये माइनस आया और यहाँ से प्लस आएगा, फिर ये 7 कैंसिल होगा, 10 कैंसिल होगा, 13 कैंसिल होगा, सिर्फ 16 नहीं कैंसिल होगा और ये पहला वाला टर्म कैंसिल नहीं होगा, यानी 1/1 हो जाएगा और 16 के लिए क्या होगा, -1/16, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसको आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो 16 का एलसीएम 16 होगा, 16 और ये -1, यानी ऊपर हो जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा 16, 3 से कैंसिल करोगे तो ये 5, तो अब फाइनली आंसर आपको मिला क्या, ऊपर 5 नीचे हो गया 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 5/16, ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ दिया हुआ है इफ़ ए स्टार बी इज इक्वल्स टू, ये दे दिया हुआ है, ठीक है, और अब से पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ 12 * 4 इज। तो यहाँ देखोगे आपसे पूछ रहा है कि 12 * 4 का वैल्यू क्या होगा, तो ए स्टार बी मीन्स सबसे पहले तो प्लस है, तो इन दोनों को भी आप प्लस कर दोगे, 12 + 4 इस तरह से 12 + 4 एंड देन प्लस, ए ऊपर है बी नीचे है, तो इन दोनों को डिवाइड कर, 12 ऊपर 4 नीचे, तो कैंसिल करोगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा और 12 में प्लस 4 कर दोगे तो कितना हो गया 16 और प्लस 3 कर दोगे तो कितना हो गया, फाइनल आंसर 19। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 19, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। तो दोस्तों आज मैंने असम कॉमन एग्जाम्स जो भी होने वाला है उसके मैथ्स के सिंप्लीफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस है एग्जाम्स में। तो इस तरह क्वेश्चन आप मेरे चैनल में देखना चाहते हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।